कार व्हील बैलेंसिंग, गाइस व्हील बैलेंसिंग से क्या फर्क पड़ता है, अगर कार के कोई सा भी टायर चारों खूनों पे, गाइस कोई सा भी टायर अगर प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है, तो जैसे कि आप एक पर्टिकुलर एक सर्टेन स्पीड पे जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द कितना सीवियर है उसका बैलेंसिंग, अगर थोड़ा है तो आपको बहुत ज्यादा स्पीड पे जाना पड़ेगा, अगर ज्यादा उसका बैलेंस खराब है तो वो कम स्पीड पे भी आपको गाड़ी के अंदर फील करा देगा। तो बेसिकली जैसे आप चल रहे हो, जैसे कि आप नॉर्मली चल रहे हो, बिल्कुल रोड एकदम ठीक है, रोड पे कोई खड्डे वड्डे नहीं है, तो वहीं पे ज्यादा आपको इसके ज्यादा पता चलेगा। तो जैसे अभी गाड़ी चल रही है एकदम सीधी, यहाँ पे जैसे बिल्कुल स्टीयरिंग सीधा है, एंड अभी मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, अगर गाड़ी का कोई भी ऐसे ऐसे मूवमेंट मुझे लेफ्ट एंड राइट फील हुआ, शेक होते हुए फील हुआ, तो इसका मतलब कोई ना कोई टायर के अंदर बैलेंसिंग का इशू है। सो आप उसको भी अलाइनमेंट के दौरान उसे आप चेक करा सकते हो। सो इसका फायदा यही है, एक तो टायर्स बचेंगे, टायर्स की लाइफ ज्यादा होगी, एंड गाड़ी में आपको जो अनइवन जब बेकार सा शेक सा मिलेगा एक वो नहीं मिलेगा। सो गाड़ी चलाने में एक अलग सा ही मजा आता है। सो डू गेट दीज थिंग्स चेक्ड।